आज हम जो गाथाएं गा रहे हैं कि ये जमीन उन्होंने छीन ली, ये पानी उन्होंने छीन लिया, अरे भाई ये जो जमीन छीनने वाले लोग हैं उनको हमने शरण दी। सबसे बड़ी गलती हमने की, हमारे बाप दादा हमारी जमीन की तरफ आंख उठा करके नहीं देखने देते थे, या बढ़ानी नहीं देते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे युवा लोग हैं उनके खून के अंदर पराए लोगों का खून मिश्रित होता गया, वैसे वैसे लोग हमारी जमीनों को लुटाते चले गए। कानून को भी समझे, उनके कानून को हमारे यहां जबरदस्ती लागू करवाते गए। भाई आज भी संविधान में हमारी ताकत है कि ये जो एरिया है ये अनुसूचित एरिया है, इसमें 100% अधिकार केवल और केवल आदिवासी का है, ये हम सबको पता होना चाहिए। भाइयों यहां की चपरासी से लेकर कलेक्टर की नौकरी सबसे पहले हमारे लिए है और पद हमारे भर जाते हैं। जब खाली पद रह जाते हैं हम चाहेंगे तो उन गधेड़ों को देंगे, ऐसा हमें औकात होनी चाहिए, हमको पहचान होनी चाहिए। लेकिन हम हमारे ऐसे बेवकूफों को नालायक लोगों को चुन करके बटन दबा दबा करके 10 रुपए में 20 रुपए में बिक करके बटन दबा करके उन गधेड़ों को भेजते ऊपर, जो वहां जाकर के मुंडी नीचे करके बैठे रहते, और हमारी जमीन को लेकर के हमारी नौकरी को लेकर के हमारी पानी को लेकर के जो नियम कानून कायदे बनते हैं उसमें आंख मीच करके साइन कर देते हैं। उनको यह भी पता नहीं है कि हमने मशीन चला करके हमारे बच्चे पैदा किए वो भी कहां जाएंगे, ये भी पता नहीं रहता उन मंगतों को। भाई ये बात आज हम सबको समझने की जरूरत है कि हमारी नौकरी हमारी जमीन की जो भी बात करता है उसके साथ में आंख मीच करके साथ होने की जरूरत है, और वो औकात वो ताकत वो हिम्मत आज की तारीख में केवल और केवल भारतीय ट्राइबल पार्टी कर रही है, किसी आंडू पांडू गांडीवों में नहीं है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं बीजेपी और कांग्रेस के गधेड़ों से, अभी सर नीचे करके बैठे, रोस्टर 13 लागू हुआ उसमें भी सर नीचे करके बैठे रहे। उनको तो सिर्फ एक ही चीज का पता है कि हमारे जो पीढ़ी है उसके लिए हमने धन कमा लिया है। अबे नालायको, तुम्हारा एक बेटा नालायक पैदा हो गया तो 2 दिन में तुम्हारा सत्यानाश करके रख देगा, तुम्हारे 5 पीढ़ी की जो धन है वो 2 दिन में 2 घंटे में खत्म कर देगा। कौन सी नींद में सोए हुए हो तुम? सर्टिफिकेट आदिवासी का लगा करके वहां जाकर के गैर आदिवासियों के तलवे चाटते हो, उनके क्या कहूं मैं अब ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, उनके जैसा ना चेहरा मैं नहीं बनना चाहता हूं। लेकिन उन आदिवासियों को कहना चाहता हूं कि तुम आदिवासी के खून नहीं हो, कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर मिश्रण हो चुका है। इस अनुसूचित क्षेत्र में कदम मत रखो दोगले लोगों, तुम ना तो जमीनों के लिए आवाज उठा सकते हो ना नौकरी के लिए आवाज उठा सकते हो, किसी दिन तुम्हारी लुगाई के लिए भी आवाज मत उठाना। मैं यही कहना चाहता हूं जय जवान जय आदिवासी जय भील प्रदेश। मैं एक नारा दूंगा, सरकार देश की चालक है, आदिवासी इस देश का मालिक है। ये मैं मेरे मुंह से नहीं बोल रहा हूं, संविधान बोल रहा है, कानून बोल रहा है, ये अनुसूचित क्षेत्र है, 100% अधिकार आदिवासियों के लिए है, यहाँ का जल जंगल जमीन नौकरी सारी चीजें आदिवासियों की है, कोई इको फिको नहीं, ये सरके वर्की भी सरकार वरकार भी नहीं, हम जो कहेंगे ऐसा होना चाहिए, ये हमारे में पावर होना चाहिए। वो तभी होगा जब हमको हमारे खून की पहचान होगी, इस एरिया की पहचान होगी। अरे सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालिक है, ये आपको बोलना है। अरे सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालिक है। मालिक तो है ही नहीं, पता ही नहीं मालिकों को अभी तक, पांडाल हिल जाना चाहिए था भी। अरे सरकार देश की चालक है, आदिवासी इस देश का मालिक है। अरे सरकार देश की
चालक है। मैं बोलूंगा जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, क्योंकि हमारे बिरसा मुंडा, तांत्या मामा, गोविंदर महाराज, मामा बालेश्वर दयाल, उन सबकी आंदोलन की बदौलत यह जमीन प्राप्त हुई है हमको। हमारे पुरखों की बदौलत यह जमीन हमको प्राप्त हुई है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अरे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, जय बिरसा मुंडा, जय कालीबंग कलासिया, मंगलाल जी कलासिया। सॉरी आपने